चुनाव चाहते हैं और उपचुनाव के तौर पे जनता के पास एक बेहतरीन मौका था क्योंकि इससे पहले वो दोनों जो हमारे पूर्व मंत्री और विधायक रहे इनको आजमा चुके हैं, बारंबार इनको मौके मिल चुके हैं। 15 साल या 10 साल इन्होंने जिला का नेतृत्व किया है जो भिखारी की जनता बेहतर जानती थी, तो जनता एक बदलाव का मंच बना चुकी थी और चुनौतीपूर्ण तो बहुत था हमारे लिए क्योंकि उम्र में हमसे ज्यादा है, डबल है और एक्सपीरियंस इनको हमसे कहीं ज्यादा है, पर हमने सिद्धांतों पे मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा और इसका परिणाम है कि आज हम जीत के आप सबके समक्ष हैं। तो जनता का एक बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद हमारे ऊपर रहा और पार्टी हाईकमान करा जिन्होंने टिकट हमें दिया, तो थैंकफुल हूँ आपके चैनल के माध्यम से। गुरु या चेले वाली बात नहीं है, राजनीति में जब हमने कदम रखा था तो वो नेता प्रतिपक्ष सॉरी नेता अपोजिशन में थे हमारे लाहौल स्पीति से क्योंकि उसमें बीजेपी की सरकार है जब मैंने राजनीति में कदम रखा। हाँ, एक माध्यम होता है आपका राजनीति में आने का, तो उनके माध्यम से मैं राजनीति में आई थी और एक पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर हमने पार्टी को ज्वाइन किया था, जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा था, उसमें मैं विजयी हुई थी, चेयरपर्सन भी बन पाई थी, तो पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते हमने पार्टी के लिए कहा, पार्टी हाईकमान ने जब उन्हें टिकट दिया 22 में तो हमने उनको रास्ता दिया, वो चीजें तो पार्टी के लिए हमने कार्य किया। अगर हम मेरा गुरु है तो पार्टी है, ये हम किसी के व्यक्तिगत हम किसी से नहीं जुड़े, हम पार्टी से जुड़े हैं, तो पार्टी ने उनको टिकट दिया, हमने पार्टी के लिए कार्य किया। अब पार्टी को धोखा दे के वो खुद छोड़ के चले गए तो इसमें हम क्या कर सकते थे, पर हम पार्टी के साथ जुड़े हैं, हमेशा जुड़े रहेंगे। तो अभी हमारी जो जीत हुई है इसमें पार्टी का विशेष, पार्टी का ही जो मेन रोल है, विशेष योगदान है जिन्होंने हमें टिकट दिया, विश्वास जताया, तो ये थैंकफुल करता हूँ। दो बड़े धुरंधर थे, एक पूर्व मंत्री, दूसरे भी कैबिनेट मिनिस्टर और कई बार के दोनों ही विधायक, जी बिल्कुल चुनौती आप समझ सकते हैं। हाँ, जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उनका जो उन्होंने शासन किया है 15-15 साल किया है मंत्री के तौर पे या विधायक के तौर पे या आप उनका राजनीतिक अनुभव बेहतर जानते हैं, तो चुनौतीपूर्ण था पर मुझे अपने आप पे भी विश्वास था कि जनता का जो माहौल है बदलाव का उस पर खरा उतरेंगे और जनता ने विश्वास जताया क्योंकि हम हमेशा से मुद्दों पर बात करते आए हैं, हमने लोगों की समस्याओं पर मुद्दों पर बात की, सरकार ने जो 1.5 साल में जो कार्य किए उनको लोगों तक पहुँचाया, तो जनता ने उन चीजों को सराहा और एक बदलाव का मन बनाया और जिसका परिणाम है कि आज हम जीत के तौर पे जनता के समक्ष। एक महिला के नाते क्या जब आप बड़े टाइम के बाद वहाँ से कोई विधायक चुनकर आए? जी जी, अगर आप समझ सकते हैं तो 52 साल बाद ये लाहौल स्पीति में मतलब ये दूसरी बार हुआ है। अगर जनजातीय महिला की बात की जाए तो पहली महिला हूँ, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि है और मैं ये उपलब्धि अपने लिए नहीं मानती, ये आम हर उस आम इंसान के लिए, हर वो आम महिला के लिए जो एक आम परिवार में जन्म लेती है, क्योंकि मैं खुद एक किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से संबंध नहीं रखती, मैं एक आम परिवार में मेरा जन्म हुआ है, मेरे माता पिता कम पढ़े लिखे आम किसान हैं, पर ये जनता, ये लोकतंत्र की ताकत है कि लोकतंत्र में जनता ने जो अपना प्यार और समर्थन दिया आज उसका नतीजा है कि मैं विधानसभा में, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरी जीत है, हर उस आम इंसान की जीत है जो एक आम परिवार में जन्म लेता है, और मुझे लगता है कि ये आने वाले समय तक लोगों को हमेशा इस चीज का मुझे लगता है कि प्रेरणा मिलेगा इससे कि लोग आगे आ पाए, क्योंकि जहाँ पॉलिसी मेकिंग नीति निर्धारण होना वहाँ पे आम लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है।